जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। सूर्य अर्घ देना, जिसे सूर्य को पानी चढ़ाना भी कहा जाता है, यह सूर्य देव को समर्पित एक परंपरागत हिंदू प्रथा है जो सूर्योदय के समय किया जाता है। इसके साथ साथ इसके विभिन्न प्रकार के लाभ हैं, जो शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकते हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लाभ अधिकांश रूप से भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से समझे जाते हैं। पुराणों में सूर्य को केंद्रित शक्ति माना गया है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करता है। ऋग्वेद में सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के रूप में दिखाया गया है। नियमित रूप से हर दिन सूर्य की सुबह के समय की लाल किरण में बैठने से हमें दिल से संबंधित, आँख से संबंधित और पीलिया जैसे रोगों में लाभ मिलता है। जिस घर में नित्य सूर्योदय के समय सूर्य उपासना यानी सूर्य पूर्णिमानुसार अर्घ दिया जाता है, उस घर के सभी सदस्य निरोगी होते हैं, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। पहले बात करेंगे सूर्य भगवान को अर्घ क्यों देना चाहिए। अपने आप को स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा वाला बनाने के लिए। इससे हम शरीर को तन मन धन सब प्रकार से धनवान बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तन और मन तो ठीक है, पर धन से कैसे? अरे भाई, अगर तन मन सही तो पैसा भी बचेगा, क्योंकि आप डॉक्टर लोगों की फीस भी तो बचा रहे हो, समझे के नहीं। इसके बाद आता है कि इन लोगों को सूर्य अर्घ विशेष रूप से देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना हिंदू धर्म में एक परंपरागत प्रथा है, जो भारतीय संस्कृति में अनेक लोगों द्वारा पाली जाती है। इसे विशेष रूप से लोगों को करने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, परंतु विशेषकर वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार है, जिनकी सोच गिरी हुई है, हमेशा उलझ रहते हैं, जो अपने को बोझ समझते हैं, जिनके काम में कोई ना कोई रुकावट आती रहती है, जिनको लगता है उनका भाग्य ठीक नहीं है, जिनका सूर्य ग्रह अच्छी स्थिति में न हो। ये सब हम व्यक्ति के ग्रहों के हिसाब से कह रहे हैं। सूर्य भगवान को अर्घ कैसे देना चाहिए? सूर्य को अर्घ देने के लिए हमें तांबे का लोटा या ना हो तो गिलास का उपयोग करना चाहिए। उसमें ताजे पानी के साथ अक्षत फूल, चावल, रोली या रक्त चंदन मिलाना चाहिए। अब इस जल का उपयोग हम अर्घ देने के लिए करेंगे। अर्घ हमेशा पूर्व दिशा की ओर देना चाहिए। दोनों हाथों से लोटा अपने सिर से ऊपर तक उठाकर दोनों हाथ आगे को झुकाकर जल प्रवाह करना चाहिए। अर्घ देते समय हम ओम आदित्य नम मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नम से किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। नियमित सूर्य अर्घ देने से क्या चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं? एक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ। सूर्य को पानी चढ़ाने का यह अभियान मानसिक सुख और समृद्धि में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे मन की शांति होती है, ध्यान बढ़ता है और दिव्यता के प्रति आभार और विनम्रता की भावना उत्पन्न होती है। दो, विटामिन डी। सूर्य के प्राथमिक उदय के समय खड़े होकर दिन भर के लिए विटामिन डी के गुणांकन की प्रक्रिया में सहायता मिल सकती है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। तीन, धारण और ध्यान। सूर्य अर्घ देना धारण और ध्यान का एक रूप हो सकता है, जो व्यक्तियों को शांत और फोकस किया हुआ मन लेकर उनके दिन की शुरुआत करने में मदद करता है। चार, संचरण को बेहतर बनाना। सूर्य की गर्मी और संपर्क संबंधी लाभ के कारण रक्त वाहिनियों को विस्तारित करने और रक्त संचरण को सुधारने में मदद मिल सकती है। पाँच, पाचन को सुधारना। कुछ लोग मानते हैं कि यह प्रथा पाचन तंत्र को सक्रिय करके दिन भर में बेहतर पाचन को प्रोत्साहित कर सकती है। छह, पर्यावरण संबंधी जुड़ाव। सूर्य को पानी चढ़ाने का अभियान पर्यावरण जागरूकता और प्रकृति से जुड़ाव को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।